नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसन सिग्नल का स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, तो वो कल के लिए मतलब 17 जनवरी 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स स्क्रीनिंग करके रखा है। उसका बाई सेल बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा मैं, और इनसेट द बस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 डे EMA स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न और NR4 NR7, ये सब कौन कौन स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स सभी में दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो उसका भी आप लोग को रेगुलर मिल जाएगा। और बहुत सारे चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, और मेरा जो ये बाइसन लेवल कम स्किनर है, तो ये मैंने मेरा व्हाट्सएप भी शॉर्ट सब ग्रुप पे शेयर करता हूँ, पूरा फाइल शेयर करता हूँ। मेरा मैं दो फाइल बनाता हूँ, बाइसन लेवल 1, बाइसन लेवल कम स्किनर और बाइसन लेवल 3। तो इसमें क्या क्या है और क्या कैसे स्क्रीनिंग कर रहा है आप लोग पिछले वाला कैसे स्क्रीनिंग करना है आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख सकता है, मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख सकता है, मेरे इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है उसका मैंने दे देता हूँ, वो भी आप लोग देख सकता है। तो उसका वीडियोस आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है। आप लोग देख सकते हैं फिबोनाची लेवल स्ट्रेटेजी और कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, ये सब बहुत सारा चीज़ है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें बाइस लेवल 1, 2 और 3 रहता है, बहुत सारा इंडिकेटर्स रहता है जो जो देख कर आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे स्क्रीनिंग किया। तो ये इसमें देखिए, बाइसन लेवल 1 में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ। टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। तो सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है, टारगेट और टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। और जो ये बाइसेल लेवल 2 है, इसका बाई आप सेल बिलो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आप लोग देख सकता है। उसके बाद आप लोग बाइसन लेवल 3 देख सकते हैं, यह है बाइसन लेवल 3। और बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल और ट्यूटल लेवल का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसमें निफ्टी, मैंने इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा। तो इसका मैंने बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा आप लोग को। तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है और ये निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इसका लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, बाई लेवल सेल लेवल आप लोग नोट बाई वन सेल वन आप लोग नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
अरे भाई भाई वाइसल लेवल 1 वाइसल लेवल 2 गया और इसमें आएगा वाइसल लेवल 3। इसका वॉल्यूम जब एंड पिवट पॉइंट सबका टीनल लेवल ये सब का वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। और कम्युनिटी का वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं, कम्युनिटी का बाई लेवल एंड सेल लेवल, बाई लेवल 1 बाई सेल लेवल 2 बाई लेवल एंड सेल लेवल 3 आएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सभी लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद फीचर्स का लेवल कुछ दिखा देता हूँ, ऐसे ही आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकता है, टेक्स भी ले सकता है, पेपर ट्रेडिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद मैंने जो 100 डे का मूविंग एवरेज का मैंने स्ट्रैटेजी बनाया, वो कौन सा कैंडल में कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है आप लोग देख सकता है। इधर ACC में आप लोग जिधर जिधर ट्रू दिखाएगा इधर एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोग देख सकता है। इधर देखिए जो 100 डे एमए का सॉरी 100 डे मूविंग एवरेज का जो जिसका जिसका कैंडल का आज स्टार्ट किया है, सोच लीजिए ACC, तो इसका हाई और लो जो ब्रेक करेगा तो इसमें भी ट्रेड बनेगा। तो आप लोग को इधर एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, सोच लीजिए ACC को मैंने देखता हूँ, ACC का ट्रेड लगाता हूँ। इसमें और डेली का चार्ट देखना है और इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है। तो देखिए इसमें ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए आज का कैंडल को काट गया है, तो आज का कैंडल ये जो हाई और लो आप लोग देख रहे हैं ACC का, तो इसका जो आप हाई और लो तोड़ेगा तो आप लोग इसमें ट्रेड लेने से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसमें BBL में फॉर्म किया है, कैस्ट्रॉल इंडस्ट्री में फॉर्म किया है, क्रोनकर में फॉर्म किया है, तो और ज़्यादा मैंने इधर से नहीं दिखा पाऊँगा। आप लोग फिर से भी स्वास्थ्य सब में ज्वाइन होंगे तो आप लोग को ये पूरा फाइल मिल जाएगा, आप लोग फ्री टाइम के लिए कुछ दिन के लिए ज्वाइन हो सकता है। और उसके बाद इनसाइड द बार 11.4, 11.7 और कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आप लोग को दिखाऊँगा। देखिए आप लोग इधर और ACC में 1 डे का हिसाब से इनसाइड द बार वाला है, मतलब आज का ये जो कैंडल वो कल का जो कैंडल था उसका अंदर रह गया, आप लोग देख सकते हैं ये है इनसाइड द बार। और टुडे का हिसाब से भी इनसाइड द बार होता है और NR4 NR7 भी होता है। NR4 NR7 का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बजाज फिंसर आप लोग देख सकते हैं इधर, तो बजाज फिंसर में इधर दिखाता हूँ बजाज फिंसर। देखिए ये जो NR4 NR7 है, ये जो अगला 3 दिन का और अगला 3 दिन या अगला 6 दिन का जो ये छोड़ के अच्छा कैंडल छोड़ के अगला 3 दिन यहाँ NR4 और हम ये छोड़ के अगला 6 कैंडल जो है उसका है NR7, तो इसका हाई और लो अगला जो जितना कैंडल है इसका जो हाई और लो का जो डिफरेंस है मतलब रेंज है वो आज का रेंज सबसे कम है, तो इसका हाई और लो मतलब आज का कैंडल हाई और लो जब तोड़ेगा तो इसका अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कौन सा कैंडल में फॉर्म हुआ है। ये देखिए इधर सेंचुरी टेक्स आप लोग देख सकते हैं, DLF और पीटर्स से देख सकते हैं, और भी बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आप लोग इधर से देख सकते हैं कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है। देखिए हायर एंड हायर लोस, ये आप लोग पिछले वाला मैंने सभी में एग्जाम्पल स्टार्ट में दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इधर आप लोग कुछ भी ट्राई करके देख सकते हैं जो मतलब एक्सेल शीट में जो दिखा रहा है वो एक्चुअली है क्या नहीं है। मैंने बहुत सारा वीडियोस बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखिए
हाई 3 डेज के लिए हाई।